ऑलराइट दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम चैलेंज करने वाले हैं सुपर कार वर्सेस 50 टैंक। यहाँ पे टैंक्स बहुत सारे 50 टैंक्स होंगे यहाँ पे, जिसको हमको क्रॉस करना पड़ेगा इन प्लेयर्स के साथ एंड इन सुपर कार के साथ। जो भी क्रॉस करता है तो उसको मिलेगा एक बहुत बड़ा प्राइस। सो गाइस, ये रहे वो प्लेयर। हाँ, यहाँ पे हल्क है, रेड हल्क है, क्रिमिनल है, थैनोस है, थोर है, उसके अलावा बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जैसे कि रोमर रेंज, और भी बहुत सारे सुपरस्टार हैं। और ये है हमारा ब्रिज गाइस, जिसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे 50 टैंक्स लगे हुए हैं लाइन से वन बाय वन, और जैसे जैसे 50 टैंक होता जाता है वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो भी इसको क्रॉस कर लेता है उसको मिलेगा बहुत बड़ा प्राइस मिलेगा गाइस। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। एंड जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो जल्दी जल्दी, एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को जो भी नया आ रहा है। तो अभी मैं इनको सबसे पहले कौन ये स्टंट करता है वो देखने लायक होगा। सबसे पहले है रूमर रेंज गाइस, रूमर रेंज करने वाले हैं ये वाला स्टंट। देखते हैं किस टाइप का स्टंट कर पाते हैं रूमर रेंज, क्योंकि WW में तो ये तहलका मचा देते हैं। यहाँ पे GTA 5 में क्या ये वाला मिशन कंप्लीट कर पाएंगे। और ये रूमर रेंज ने उठा ली है फॉर्मूला 1 कार यहाँ पे लेके जाते हुए। रूमर रेंज क्या इस मिशन को कम्प्लीट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे बहुत तेज स्पीड के साथ रूमर रेंज जाते हुए, एंड ये अटक गए हैं और ये गई इनकी गाड़ी नीचे। यहाँ पे 39 टैंक्स थे वो जो कंप्लीट कर चुके थे, एंड इसके बाद गिर गए। एंड दूसरे नंबर पे आ चुके हमारे येलो क्रिमिनल। अभी येलो क्रिमिनल की बारी आ गई है, अभी देखते हैं येलो क्रिमिनल कौन सी गाड़ी उठाते हैं। रेटो ठीक है, तो अभी ये मिशन नहीं कर पाऊंगे, ये तो मुझे जीतना पड़ेगा। ये उठा लिए मैंने कार और यहाँ से मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और ये प्राइस तो मैं ही जीतूंगा, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। ये तुम तो हारने के लिए आए हो यहाँ पे, ओनली मैं ही जीतूंगा ये वाला मिशन। ये देखो, यहाँ से बहुत स्पीड में जाऊंगा और मैं ये गेम को जीत जाऊंगा। अरे ये गलत हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरी गाड़ी नीचे कैसे चली। ये ओवर कॉन्फिडेंस येलो क्रिमिनल का, और ये येलो क्रिमिनल नीचे गिर गए हैं। अब बारी आ गई हमारे पर्पल क्रिमिनल की। या पर्पल क्रिमिनल इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे, एंड क्या वो वाला प्राइस जीत पाएंगे जो कि सबसे खतरनाक प्राइस है अभी तक का। तो यहाँ पे पर्पल क्रिमिनल उठा ली अपनी बैडमैन वाली कार। ओ तुम तो नूबड़ी हो, ओए ये मिशन तो मैं ही जीतूंगा, ओए यहाँ से इतने स्पीड में कार ले जाऊंगा किसी ने सोची ना होगी, ओए वो यहाँ पर बहुत स्पीड ले जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा इसको। पर्पल क्रिमिनल ने अच्छी गाड़ी चुनी, बट लेकिन उनकी किस्मत खराब थी जो कि अभी नीचे गिर चुके हैं वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। अब बारी आती है वेनम की। यहाँ पर वेनम देखते हैं कौन सी कार उठाएंगे, और वेनम ने उठा ली है एक खतरनाक सी कार। वेनम इस मिशन को पूरा कंप्लीट करेगा, ओनली वेनम, और कोई नहीं कर सकता। ये क्या हो गया, मेरा ब्रेक लग गया। और गाइस वेनम भी यहाँ पे धाराशाही हो चुके हैं। अभी बारी है हमारे रेड क्रिमिनल की, क्या रेड क्रिमिनल इस मिशन को कंप्लीट कर पाएंगे एंड वो प्राइस जीत पाएंगे। तो देखने लायक होगा कि अभी रेड क्रिमिनल ने अपने जैसी रेड कार चुन ली है। हाँ, ओ झोपड़ी के, तुम ये मिशन नहीं कर सकता है, ओनली मैं करूंगा ये मिशन। ये देखो, अभी यहाँ से बहुत स्पीड में कार ले जाऊंगा, कैसे करते हैं मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ। और ये देखो, मैंने कर लिया है ये मिशन कंप्लीट। और गाइस रेड क्रिमिनल ने ये मिशन कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे सारे 50 टैंक्स जो थे वो कंप्लीट कर दिए हैं रेड क्रिमिनल ने। एंड इसके बावजूद अभी बारी आती है स्केल्टन की, क्योंकि इसमें अभी कोई भी जीत सकता है, और भी चांसेस है जीतने के। जो जितने बंदे जीतेंगे उनको वो प्राइज मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट बारी है स्केल्टन की, क्या स्केल्टन ये मैच जीत पाएगा रेड क्रिमिनल की तरह, देखने लायक होगा। तो यहाँ पे स्केल्टन बहुत तेजी के साथ जाते हुए, एंड काफ़ी हद तक उन्होंने 45 टैंक कंप्लीट कर लिए थे, बट अफसोस 45 के बाद वो गिर चुके हैं। अभी रेड क्रिमिनल की बारी आ चुकी है। ओ मैं पापा हूँ, ओ सबका पापा हूँ, मैं जीतूंगा गेम ये वाला, मैं तो टास्क जीत के रहूंगा, और मुझे चाहिए बहुत बड़ा प्राइस, बहुत सारे लोगों को खाना है मुझे, मैं तो जीतूंगा। ओ पापा हूँ मैं सबका, सबको हरा दूंगा, ये थैनोस को भी हरा दूंगा, थोड़ा पीछे ले जाके जीतूंगा क्योंकि आगे से थोड़ा मज़ा नहीं आता। और ये यहाँ से मैं तेज़ी से जाता हुआ, और ये मैं जीतूंगा, मैं जीत के रहूंगा। और ये क्या हो गया, मेरी गाड़ी अटक गई, और मैं तो पापा हूँ सबका, मैं तो जीतूंगा, नीचे गाड़ी चलाऊंगा। और गाइस यहाँ पर रेड क्रिमिनल भी नीचे पागल हो चुका है, वो नीचे गाड़ियाँ चला रहा है। अभी बारी आ चुकी है थैनोस की, क्या थैनोस इस टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। मैंने तो ब्रह्मांड को खत्म कर दिया था, ये तो छोटा सा टास्क है, इसको तो मैं यूं कंप्लीट कर दूंगा चुटकी बजाते ही। अभी देखो मैं अपनी जादू की शक्ति इस्तेमाल करके कैसे इस मिशन को कंप्लीट करता हूँ और इस टास्क को जीतता हूँ। अरे गाइस, कोई थैनोस को बता दो कि ये एवेंजर मूवी नहीं चल रहा है, ये GTA 5 है, इसमें कोई गॉन्टलेट काम नहीं करता है, इसमें कोई पावर्स काम नहीं करती है, इसमें ओनली टेक्निक्स काम करती है। और ये गाइस गिर चुके हैं हमारे थैनोस भी, बड़े बड़े बातें मारने वाले गिर चुके हैं।
यहाँ पर सीधा हल्क गाड़ी के अंदर बैठा है जाने के लिए। वाह, अरे इलेक्ट्रो भैया आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा, आज मैं ऐसे रुकूंगा नहीं, आज मैं कुछ ना कुछ करूंगा, आज मैं टास्क जीत के यहाँ घर पर प्राइज लेके जाऊंगा। हाँ हाँ हल्क, देखते हैं हम तुम कैसे प्राइज लेके जाते हो यहाँ से। ऑडियो गाइस हल्क ने भी कंप्लीट कर दिया है, वाह यार। सो गाइस हमारे यहाँ पे दो विनर बन चुके हैं, अभी बारी है थॉर की। क्या थॉर ये मिशन कंप्लीट कर पाएंगे? हाँ ऐसे मिशन तो मैंने बहुत कंप्लीट किए हैं अपने एसगार्ड पे, ये तो छोटी मोटी बात है हमारे लिए, हम ओडिन पुत्र थॉर है, हम किसी से कम नहीं। सो गाइस यहाँ पे थॉर की बारी आ चुकी है और थॉर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है आई थिंक वो जीत के रहेगा ये वाला गेम, यहाँ पे तीन विनर जीतेंगे। अरे गाइस ये थॉर नीचे गिर चुका है, यहाँ पर थॉर और उन पुत्र गए भी नीचे। सो गाइस जो जीता है उनको मिल चुका है दो सुपर कार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।